बागमारा विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रोहित यादव ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। रोहित यादव कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। वहीं कशिश न्यूज के खास बातचीत में रोहित यादव ने जीत का दावा किया तो दर्द भी उनका छलका। निर्दलीय प्रत्याशी रोहित यादव हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। रोहित जी, पहले तो बहुत बधाई हो आपको नॉमिनेशन। जी जी, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतने समर्थकों का प्यार और आशीर्वाद आपके साथ है, बागबारा की जनता का क्या कहिएगा? निश्चित रूप से हम इन्हीं नौजवानों, माताएं, बहनों सभी के दबाव और आशीर्वाद के ही चलते नॉमिनेशन करने आए हैं। हमारी ये कहीं कोई मंशा नहीं थी कि नॉमिनेशन करके हमको माइक बजवा के 10 लोग हमको पहचाने। हम चुनाव जीतने के लिए नॉमिनेशन किए। कांग्रेस से भी पहले ये उम्मीद थी कि टिकट आपको दिया जाएगा पार्टी की तरफ से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद ये कदम आपने उठाया निर्दलीय चुनावी मैदान में आने का, आखिर क्या वजह रह गई? नहीं कुछ बोल सकते हैं, जब उस पार्टी से हम रहे ही नहीं तो क्या बोलेंगे। उस पार्टी के लोगों से उस विषय पर बात कीजिए कि रोहित यादव क्यों चले गए। लेकिन ये भी खबरें सामने आ रही है कि आपको मनाने की कोशिश की जा रही है। गलत कोई बोला है तो उससे बोलिए कि आप न्यूज चलाओ, ठीक है ना। एक बड़े पदाधिकारी से पूछे कि शाम को नॉमिनेशन के बाद नौकरी खा जाएं, तो 1.5 घंटा में 20 कॉल जो है, नहीं नहीं कैसे करना हमको बोलिए, हम करते जाएंगे, ठीक ना। वो कुछ छछुंदर टाइप के हैं, वो इधर उधर उनकी उनका उसी से दाल रोटी चलता, सच्चाई यही। रोहित जी, तकलीफ होगी मन में, इतने इतना वक्त आपने पार्टी को दिया, लेकिन जब टिकट नहीं मिलता है तो क्या महसूस होता है? कोई दिक्कत नहीं, कोशिश किए जुड़ने का, कोशिश की है पार्टी से, उनकी पार्टियों से, लेकिन इनके नेताओं को ये, हम उनकी सेवा अगर करते हैं सहयोगी दल हो करके, वोट दें दिलवाएं तो बहुत अच्छे हैं। अगर टिकट मांग दिए तो भाई 4 महीना से आए हैं पार्टी में, और 1 घंटा पहले जो पार्टी ज्वाइन करता उसको भी पार्टी का टिकट ये लोग दे रहे हैं, तब क्या कंडीशन है, क्या तौर तरीका है कांग्रेस पार्टी का टिकट देने का, हमको कोई आइडिया नहीं। यानी टीस है मन में। निश्चित रूप से अगर महीना 2 महीना अगर भटके हैं तो इस अर्थ युग में और कोई बेकार आदमी है नहीं। हम अगर रांची ये दिन भर रहे तो बेकार रहे ना, हम दिल्ली ही रहे तो बेकार रहे। इसलिए घृणा तो बनी मन में, कोई कमी हमारी नहीं थी, उनके सारे नियमों को पूरा कर रहे थे, सर्वे रिपोर्ट पूरा कर रही थी। अब क्या तौर तरीका है उनका, हम उस पर कुछ नहीं बतला सकते। आपका इतना बड़ा कदम निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरना, क्या सामने कोई प्रत्याशी है जिसे आप चुनौती के तौर पर? नहीं 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 है, इसलिए खड़ा हुए हैं। जो स्थिति हमारी कांग्रेस पार्टी टिकट देती तो रहती, वही स्थिति 5,000 वोट आज के दिन में बढ़ा है मेरा, और ये निरंतर बढ़ते जाएगा। हमारी वहीं की वहीं स्थिति है, हमारे स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फर्क पड़ा है कि कल हम कांग्रेस से कोशिश कर रहे थे, आज हम निर्दलीय हैं, बस इतना ही फर्क पड़ा। क्या वादा कीजिएगा, अगर रोहित यादव जीत कर आते हैं तो बागमारा की जनता के लिए क्या करेंगे, और पहले की तुलना में अब क्या बदलाव उन्हें देखने को मिलेगा? अगर जनता हमको अपना भरोसा और विश्वास देती है तो आज़ादी के बाद जितने विधायक हुए हैं सब 50 ठो 100 ठो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, ठेकेदारी का लाइसेंस बनवा लेते हैं, सारा ठीका जो है वहाँ से निगम, जिला परिषद सब ले लेते हैं अपने लोगों का। वो काम रोहित यादव नहीं करेंगे, वो नौजवानों को जाएगा, कोलियरियों से कब्जा हटा देंगे, आउटसोर्सिंग से कब्जा हटा देंगे, 5,000 नौजवानों को उसी दिन रोजगार मिल जाएगा। एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे युवा आज के जूझ रहे हैं, उन्हें दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है नौकरी के लिए, ये समस्या कैसे खत्म करेंगे रोहित? कर लेंगे, बागमारा में तो कर लेंगे निश्चित है। अगर जनता हमको जिताती है तो बागमारा का नौजवान 6 महीना के बाद मेरे यहाँ रोजगार के लिए आएगा, दिल्ली और तमिलनाडु नहीं जाएगा। बहन बेटियों से क्या वादा करेंगे? बहन बेटियों को उचित सम्मान, अगर समाज में कोई कुरीति है तो उसके खिलाफ आंदोलन करना,
और अपने समर्थकों द्वारा माताएं बहनों का पूर्ण रूप से सहयोग के दृष्टि से काम करना, यही बहन माताओं के प्रति हम भाव रखेंगे। तो ये हमारे साथ रोहित यादव है जिन्होंने नॉमिनेशन कर दिया है और इस बार वे निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं। हालांकि पहले ये कांग्रेस में थे लेकिन कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, जिसके बाद रोहित यादव ने निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया। और आज कशिश न्यूज से खास बातचीत में जब हमने उनसे सवाल पूछा कि क्या मन में वो दर्द है, क्या वो टिस रह गई है कि आपको टिकट पार्टी ने नहीं दिया, तो इस पर भी रोहित यादव ने खुलकर अपनी बातों को सामने रखा। उन्होंने कहा कि 2-4 महीने पहले जो लोग पार्टी में शामिल हुए हैं उन्हें ज्यादा तवज्जो दी जाती है, हमें दरकिनार कर दिया जाता है। और इसी चुभन, इसी टिस और इसी दर्द के साथ रोहित यादव आज निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनता का अटूट विश्वास मेरे साथ है, जनता का प्यार, जनता का समर्थन मेरे साथ है, तो मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का फैसला रोहित यादव ने लिया है। कैमरामैन फिरोज के साथ मैं रश्मि श्रीवास्तव, कशिश न्यूज़, धनबाद।